गेट डायरेक्शंस, नेविगेट ऑन वॉच। ठीक है, जैसे ही हमने नेविगेट ऑन वॉच किया, ओके कर दिया, एग्री, और यहाँ पे ये देखो आ चुका है, यहाँ पे नेविगेशन स्टार्ट हो चुका है आपका, हेड टू द नॉर्थ, फिर 90 मीटर, 55 मीटर, और यहाँ पे प्रॉपर एस्टिमेटेड पहुँच जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका शो करता है नेविगेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। एग्जिट करते हैं। सो गाइस, हमारे पास आ चुकी है बोट की न्यूली लॉन्च, कल ही लॉन्च हुई है बोट की वेव सिग्मा, एंड कल बहुत कम प्राइस में थी, बेसिकली 100 रुपये का डिस्काउंट था, आज जो है वो 100 रुपये बढ़ चुके हैं, इस पर 1200 रुपये की हो चुकी है। वैसे कल 1100 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में थी, 1099 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट, मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने ग्रैब कर ली तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आज हमारे पास आ चुकी है, एंड इसका जो प्राइस है वो भी थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा है, तो आप जाके ग्रैब कर सकते हैं चाहो तो, बट इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और आपको 300 रुपये का डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इस तरीके की बॉक्स पैकिंग मिलती है बोट की, हर एक वॉच की तरह ही बॉक्स पैकिंग है यहाँ पे, और काफ़ी सही रहता है, सेम मतलब पैकिंग है मैक्सिमम वॉचेस की। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ओपन कर लेते हैं इस वॉच को, वॉच के बॉक्स को हम ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको रखी मिल जाती है वॉच इटसेल्फ, इसका एक यूनिक पॉइंट है वो कहीं ना कहीं जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन इसमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको कुछ पैम्पलेट्स मिल जाती हैं बहुत सारी, और साथ ही में आपको यहाँ पे ये मिल जाते हैं, स्टिकर्स मिल जाते हैं, और ये चार्जिंग केबल मिल जाती है। यहाँ पे स्टिकर्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्टिकर्स मिलते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पे बोर्ड की यूज़र मैनुअल मिल जाती है, मतलब अदर जो प्रोडक्ट है उसका मिल जाता है, एक तो टैम्पलेट, और साथ में ये आपको मिल जाता है वारंटी रजिस्टर करने के लिए, और साथ ही में यहाँ पे ये इसकी यूज़र मैनुअल मिल जाती है पर्टिकुलरली। तो ये तो भी सारी सारी चीज़ें मेन वॉच पे आते हैं। यहाँ पे ये रही वॉच हमारी, वॉच की क्वालिटी गाइस अच्छी लग रही है डेफिनेटली यहाँ पे, एंड देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ये कर्वी डिज़ाइन मिलता है इसका, जिसकी वजह से हाथ पे पहनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। और साथ ही में यहाँ पे आपको देखने में जाता है डेडिकेटेड सेंसर पीछे की साइड, और यहाँ पे बटन जाती है जो कि पुशेबल है, रोटेटेबल नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पे इसको हम पील ऑफ कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है काफ़ी बड़ी डिस्प्ले, जो कि कहीं ना कहीं 2.01 इंचेस की देखने को मिलती है, और स्ट्रैप की क्वालिटी कहूँगा मैं अच्छी है। और यहाँ पे आपको चार्जिंग पेन्स मिल जाती है, 22mm स्ट्रैप साइज, आफ्टर मार्केट का चाहो तो आप इसमें लगा सकते हो। इसको पील ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, है ना, तो इस तरीके से देखने को मिल जाता है। और एक और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टिकर, इसको आप पील ऑफ कर सकते हो, ये देखो ये रहा, है ना, तो 2x2 स्टिकर्स मिलते हैं पीछे की साइड, और यहाँ पे इसको हम हटा लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से मिलता है। एंड गाइज, ये वॉच सिर्फ लास्ट टू मीडियम इसके ठीक है, थिन रिस्ट पे अच्छी लगेगी, ध्यान रखिएगा आप सब। मेरा रिस्ट साइज जो है वो है मीडियम रिस्ट, एंड मिनिमम इस वॉच के लिए रिस्ट साइज आपको होना चाहिए 6 इंचेस तक का, उससे नीचे पे ही अच्छी लगेगी, बट 6 इंचेस से ऊपर जिसके भी रिस्ट है काफ़ी अच्छी लगने वाली है उसके रिस्ट पे। अब गाइज इसको ऑन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे इसके फंक्शंस फीचर्स देखते हैं इसके, बोट क्रेस्ट ओएस का मिल जाता है इसमें आपको, इसको स्किप कर लेते हैं। ये आपको वॉच फेस मिल जाता है बाय डिफॉल्ट, उसी के साथ साथ ऊपर की साइड से आपको टॉगल मेनू मिल जाते हैं, तो बोट का ये काफ़ी अच्छा रहता है, जो अलग से आपको क्रेस्ट ओएस मिलता है। अदर वॉचेस में आपको टिपिकल सा हर एक वॉच में हूबहू सिमिलर ही मिलता है, बट यहाँ पे बोट थोड़ा सा यूनिक करता है, इनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि है कहीं ना कहीं क्रेस्ट ओएस, एंड काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पे लैग तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे क्रिकेट स्कोर भी देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ साथ लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन और शॉर्टकट्स बेसिकली मिल जाते हैं, राइट साइड में आपको यहाँ पे वापस से शॉर्टकट मिल जाते हैं, बटन टैप करके मेन्यू खुल जाता है, तो लगा इस लैग नहीं है यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे टॉगल मेन्यू मिल जाता है, टॉगल मेन्यू ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि D&D मोड है, अलार्म लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद फाइंड माय फोन है, यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, और साथ ही में यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये नेविगेशन का ऑप्शन। ये नेविगेशन का ऑप्शन आपका काम करेगा जब ऐप से कनेक्टेड रहेगा, वॉच में स्टैंड अलोन GPS नहीं मिलता आपको, थ्रू द एप्लीकेशन ही आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग में वॉच फेस में जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेस आपको देखने को मिलते हैं, 6-7 मिल जाते हैं, इससे आप चेंज कर सकते हो, लगा सकते हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये वाला देख सकते हो यहाँ पे, एकदम एज टू एज देखने में लग रहा है, डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी है यहाँ पे। और अगर मैं बात करें यहाँ पे रिंगटोन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे रिंगटोन भी आप चूज़ कर सकते हो कौन सी आपको लगानी है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन स्लीप मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलता है 20 सेकंड का, तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं मिलता, ये भी है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको वेक गेस्चर, ऑल डे भी आप चूज़ कर सकते हो वेक गेस्चर को ऑन रखना है। उसके बाद वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट रखना है वो आप चूज़ कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब मिल जाता है। सिस्टम का ऑप्शन मिलता है रीस्टार्ट, पावर ऑफ, रीसेट, बोर्ड डाउनलोड, जो सिग्मा 3 एप्लीकेशन डाउनलोड का ये QR कोड मिल जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, होम पे जाते हो मेन्यू टैप करते ही
यहाँ पे कॉल का ऑप्शन मिलता है, कॉलिंग वॉच है डेफिनेटली, यहाँ पे डायलर का ऑप्शन मिल जाता है पूरा का पूरा, भाई कनेक्टेड नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। एक्टिविटीज़ यहाँ पे 700 स्पोर्ट्स फोन मिलते हैं, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 10 ही मिलते हैं। थ्रू द एप्लीकेशन आप यहाँ पे चेंज ऑन कर सकते हो, जैसे वॉच पस लगाते हो उस तरीके से टन्स ऑफ जो स्पोर्ट्स मोड है एप्लीकेशन मिल जाते हैं, जिसको आप यहाँ पे भेज सकते हो वॉच में, जैसे आप वॉच फेस भेजते हो। एक्टिविटी रिकॉर्ड्स मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, यहाँ पे ग्रीन एक्शन का सेंसर जल रहा है, उसके बाद SP2 मॉनिटर मिल जाता है, और यहाँ पे रेड एक्शन का सेंसर भी मिलेगा आपको डेफिनेटली। नो सिंगल सेंसर के साथ ही वॉच आती है देखने के लिए, देख सकते हो ग्रीन एक्शन का सेंसर ही चल रहा है SP2 में भी, तो एक्यूरेसी डिसेंट है यहाँ पे। और स्लीप मॉनिटर मिल जाता है, उसके बाद ब्रीथ एक्सरसाइज मोड मिल जाता है यहाँ पे, और नोटिफिकेशन एक्सेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्टॉप वॉच मिल जाता है, टाइमर मिल जाता है, अलार्म आप सेट कर सकते हो वॉच में ही इटसेल्फ, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। फ्लैश लाइट पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है डिस्प्ले। नीचे की साइड से आपको चेन मिल जाती है डेफिनेटली, यहाँ पे मोटी चेन है, ऊपर की साइड से आपको सिमेट्रिकल टाइप का मिलता है, अगर ये सिमेट्रिकल चारों तरफ होता तो और मज़ा आता, बट अगेन गाइज यहाँ पे कम प्राइस में आपको जो फीचर मिल रहा है बहुत ही यूनिक, जो कि है कहीं ना कहीं टर्न बाय टर्न नेविगेशन, जो अदर वॉचेस प्रोवाइड ही नहीं करती हैं। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसके बाद फाइंड माय फोन है, सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, सेटिंग मैंने आपको बताई दिया, और वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिलता है इस वॉच में, गेम्स भी देखने को मिलते हैं, खासकर मैक्सिमम जो बोर्ड की वॉचेज उसमें आपको ये जो गेम का ऑप्शन है नहीं मिलता, बट इसमें क्रैश ओएस में ऐड किया गया है, जो कि डेफिनेटली बेस्ट है। नेविगेशन की बात करें, अभी मैं दिखाऊंगा आपको थ्रू द फोन कनेक्ट करके, और QR ट्रे, यहाँ पे QR कोड को भी स्टोर कर सकते हो, जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हो पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, या इवन आप अपनी सोशल प्रोफाइल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, जो कि है कैलकुलेटर, बट यहाँ पे दो चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, जो कि है QR कोड वाला ऑप्शन और एक गेम्स का ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे एप्लीकेशन से इसको पेयर करते हैं और सारी की सारी चीज़ चेक करते हैं इस वॉच की। तो गाइज़ यहाँ पे पेयर हो चुकी है क्रेस्ट एप्लीकेशन से, उसके बाद सीधे अपडेट आ चुका है, मैंडेटरी फर्मवेयर अपडेट, तो यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं इस वॉच को, अपडेट नाउ यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद अपडेट हो जाएगी वॉच। सो गाइज वॉच अपडेट हो चुकी है आपके सामने, और यहाँ पे आ चुका है नेविगेशन, ओपन नेविगेशन करते हैं यहाँ पे बोर्ड क्रेस्ट, एंड यहाँ पे आपका शो करेगा आई थिंक, नेविगेशन पे जाते हैं, ये रहा देखो, करंट ट्रिप और नेक्स्ट ट्रिप, होम एड्रेस, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हो, एक्सेप्ट, और यहाँ पर लोकेशन सर्विसेज अपनी डालनी है, अलाउ कर देना है, यहाँ पे सपोज हम सर्च करते हैं, नेहरू प्लेस, तो इस तरीके से आपका शो करता है, नेविगेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है, एग्जिट करते हैं, तो नेविगेशन यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माई वॉच में जाते हैं, तो यहाँ पे माई वॉच में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं देखने के लिए, वॉच फेस मिल जाते हैं बहुत सारे, और यहाँ पे डू इट योरसेल्फ वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं, माई क्रिएशन में जाते हैं, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो खुद का वॉच फेस, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर आप कस्टमाइज कर सकते हो, ग्रिड लाइंस भी आप लगा सकते हो चाहो तो यहाँ पे, ये रहा, एंड यहाँ पे आपका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो, गैलरी में से लेना है आपको, थीम आपको चूज़ करनी है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो चाहो तो, है ना, सेव कर दिया, और यहाँ पे टाइम जो है आपका इसको आप मूव कर सकते हो जहाँ पे आपको मूव करना है, एंड यहाँ पे आप कलर चूज़ कर सकते हो इस तरीके से, ये रहा, एंड उसके बाद यहाँ पे आपका कैमरा, यहाँ से भी आप फोटो लेके अपना कस्टमाइज लगा सकते हो, ये कर लिया हमने, इसको डन कर दिया, अब यही वॉच फेस आपका बन जाएगा, सेव, तो ये काफ़ी अच्छा खासा कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो डिस्टेंस का, ये रहा, इसका स्टेप्स, ये रहा, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं इसमें वॉच में इटसेल्फ, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो करता है, सेव कर देते हैं इसको, तो इस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये होता है प्रॉपर कस्टमाइजेशन। यहाँ पे जा रही है पिक वॉच में, देखो तो ये इस तरीके से आपका वॉच में पिक लग चुकी है, और इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लेटर कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इमरजेंसी SOS भी रख सकते हो आप, ये भी काफ़ी अच्छा है, मैक्सिमम वॉचेस में नहीं होता है बट बोट में दिया गया है। वॉच सेटिंग में जाते हो, यहाँ पे आपको
वॉच फीचर्स में आपको तो बहुत सी अच्छी मिलती हैं। ऑटो हार्ट रेट मॉनिटर आप ऑन कर सकते हो, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, नजेस आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी एसओएस सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, ब्लूटूथ कॉलिंग यहाँ पे मिल जाता है, कनेक्टेड है वैसे भी है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड माई वॉच का ऑप्शन देखने मिलता है, वॉच वाइब्रेट कर रही है, रिंग का ऑप्शन नहीं है। नोटिफिकेशन आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हो, कॉल नोटिफिकेशन है जैसे कि, उसके बाद एसएमएस नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, सेव चेंजेस। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ये रहा आपका, जो कि वर्क करता है जैसे मैंने आपको बताई दिया, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। तो गाइस नेविगेशन भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सिस्टम सेटिंग पे आते हैं, लिंक एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने मिलता है, स्ट्रावा और गूगल फिट को आप लिंक कर सकते हो। ऐप कॉन्फ़िगरेशन में आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, पावर ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीज़ मिल जाती है, देख लीजिए। अभी काम करते हैं यहाँ पे कॉल लैग देख लेते हैं एक बार, कैसे क्या यहाँ पे वो आती है लाउडनेस। लाउडनेस काफ़ी अच्छी है, कॉल ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे हम वॉइस असिस्टेंट चेक कर लेते हैं एक बार, व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, वेदर ऑफ फरीदाबाद काफ़ी लाउड है, तो क्लियर है यहाँ पे। वॉच में सॉन्ग सुनते हैं, तो यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन तो ज़रूर है, बट यहाँ पे कंट्रोल का ही ऑप्शन है, बट वॉच में सॉन्ग नहीं सुन सकते आप। तो इस तरीके से देखने मिल जाते हैं। अभी काम कर लेते हैं हाथ पे पहले, तो फाइनल कंक्लूजन आपको देता हूँ। दूसरे फोन से एक बार कॉल मिला के देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कॉल मिला दिया, देखते हैं यहाँ पे नाम आता है, नंबर आता है, तो यहाँ पे प्रॉपर रिंग कर रही, क्योंकि रिप्लाई का ऑप्शन भी है, यहाँ पे कट कर सकते हो। तो गैस 1200 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में डील काफ़ी अच्छी है, मतलब 1299 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में टर्न बटन नेविगेशन का न्यू ऑप्शन मिल जाता है इसमें आपको, डिस्प्ले बड़ी मिलती है, और आपको यहाँ पे गेम्स भी देखने को मिल जाते हैं दो, एंड रेस टू वे रेस टू वे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे आपको TFT LCD पैनल मिलता है। बट गाइस ओवरऑल जिस प्राइस में लॉन्च हुई काफ़ी अच्छी डील बन जाती है, क्रेस्ट OS नया टाइप का OS मिलता है देखने के लिए इसमें आपको, जो कि मेरे को काफ़ी बेहतरीन लगा, बेटर लगा। एंड उसी के साथ साथ गाइस कैसे आप इसको और 300 रुपये ऑफ पे ले सकते हो बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जैसे आप जाओगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आप अपनी पुरानी वॉच को चेंज कर सकते हो इससे बेसिकली। तो 300 रुपये कोई सी आपकी वर्किंग वॉच होनी चाहिए, आपकी कोई भी बोट नॉइस फायर बोल्ट कोई सी भी हो, और ये जो फ्लिपकार्ट है आपको दे देगा 300 रुपये इन एक्सचेंज। तो इन एक्सचेंज मतलब 300 रुपये इसमें से कम हो जाएंगे, तो ये वॉच आपको वही 900 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में पड़ जाएगी, जो कि डील काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो गैज़ ये एक सिंपल सा रिव्यू अनबॉक्सिंग बोट की वेव सिग्मा 3। अगर आपको क्वेरीज वॉच से रिलेटेड और भी कुछ रहता है, जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।